हेलो एंड वेलकम टू माय हमारे सिलेक्शन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, जहां हम एजुकेशन की दुनिया की लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लेकर आते हैं। और आज आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट के प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स पर प्रैक्टिस, ताकि हमारा स्कोर मैक्सिमम तक जा सके। और आज जो हमने पेपर चूज़ किया है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। पेपर जो है ये जुलाई 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए, उस एग्ज़ाम का हम पेपर आज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे हम आज के वीडियो में करेंगे सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, देखते हैं कि रीजनिंग सेक्शन में जुलाई 2017 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि हमें एक फेयर आइडिया हो कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, किन टॉपिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रही है और हमारी कमी कहाँ है, हमें कहाँ अपने किन किन टॉपिक्स को स्ट्रांग करना है। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है, इसी मकसद से हम आपके लिए ये प्रैक्टिस बैच लेकर आए। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये क्लासिफिकेशन का है, ठीक है। ऑड वन सेलेक्ट करना है, चूज द ऑड वन। पहला हमारे पास क्या है, वुड कॉर्क स्टोन एंड पेपर। वुड कॉर्क स्टोन एंड पेपर, लकड़ी है, कॉर्क है, पत्थर है और पेपर है। तो इसमें एक जो ऑड वन होगा वो क्या होगा, जो अलग है वो स्टोन ऑप्शन सी है। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों चीज़ें जो हैं, वुड, कॉर्क और पेपर, ये तीनों जो हैं ये फॉरेस्ट के स्रोत हैं, यानी कि ये पेड़ से मिलते हैं। लकड़ी पेड़ से मिलती है, कॉर्क कॉर्क को भी हम लकड़ी से बनाते हैं एंड पेपर पेपर को भी हम लकड़ी से बनाते हैं। ये केवल एक स्टोन है जिसे हम बनाते नहीं हैं लकड़ी से, ठीक है। तो यहाँ आंसर हमारा ऑप्शन सी स्टोन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी हमारे पास क्लासिफिकेशन का ही है। क्वेश्चन है कमांडर, कॉमोडोर, एडमिरल और ब्रिगेडियर। कमांडर, कॉमोडोर, एडमिरल और ब्रिगेडियर, ये चार पोजीशंस रैंकिंग्स दी गई हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से ऑड कौन सा है। जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है कमांडर, ठीक है, सेकेंड कॉमोडोर, थर्ड एडमिरल और फोर्थ है हमारे पास ब्रिगेडियर। ये जो शुरू के तीन हैं, कमांडर, कॉमोडोर और एडमिरल, ये तीनों ही जो हैं वो नेवी के पार्ट हैं। ये तीनों ही कहाँ होते हैं, नेवी में होते हैं। लेकिन जो ब्रिगेडियर होता है ये आर्मी का पार्ट है, ये आर्मी का चीफ होता है। और बाकी कमांडर, कॉमोडोर और एडमिरल नेवी में होते हैं और ये जो ब्रिगेडियर होता है ये आर्मी में होता है। इसलिए ऑड वन आउट क्या होगा हमारा, ब्रिगेडियर आर्मी, ठीक है, ऑप्शन डी ऑड वन आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टील यूटेंसिल्स, ब्रॉन्ज स्टैचू, ठीक है, स्टील यूटेंसिल्स, ब्रॉन्ज स्टैचू, ड्यूरेल्यूमिन एयरक्राफ्ट एंड डी आयरन रेल्स। यहाँ पे क्या है कि हमें क्या दी गई है, मटेरियल, रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट दिया गया है। मेटल्स हैं ये हमारे पास एक्चुअली, और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा एक ऑड वन आउट है, ठीक है। तो जो यूटेंसिल्स होते हैं यानी कि जो बर्तन होते हैं वो स्टील के बनते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब है हमारे पास स्टैचू, तो स्टैचू ब्रॉन्ज के तो होते ही हैं, सो ब्रॉन्ज के स्टैचू, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है ड्यूरेल्यूमिन एयरक्राफ्ट, तो जो एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज़ जो होता है वो ड्यूरेल्यूमिन का बना हुआ होता है, ये ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी को देखें, ऑप्शन डी है आयरन रेल्स। रेल्स जो होते हैं वो एक्चुअली आयरन्स के नहीं बने होते हैं, रेल्स जो होते हैं वो एक्चुअली स्टील के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा ऑड वन आउट में ऑड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है टंग, टेस्ट, आई, ब्लाइंड, ईयर, डेफ एंड लेग, लिप, ठीक है। चार ऑप्शन से टंग से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं। आँखों से क्या हो सकते हैं, अंधे हो सकते हैं। कान से क्या हो सकते हैं, डेफ यानी बहरे हो सकते हैं। और लेग से लेम यानी कि लंगड़े हो सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन जो हमारे पास है, आँख से अंधा होना, कान से बहरा होना और पैर से लंगड़ा होना, ये क्या है, डिफेक्ट्स है। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे टंग जो है वो टेस्ट यानी कि क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑड वन आउट में ऑड हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे क्या है, डिफेक्ट्स है, लेकिन टंग का टेस्ट बताना डिफेक्ट नहीं है, उसकी क्वालिटी है। इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा ऑड वन आउट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन है
आई एम फेसिंग इन सदर्न डायरेक्शन, आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर. ठीक है, कुछ आगे भी डायरेक्शन हमें दिए हुए हैं. पहले क्या है, फर्स्ट लाइन ये है कि कोई व्यक्ति है जो साउथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ देख रहा है. तो चलिए इसको करते हैं यहाँ पे. ठीक है, कोई व्यक्ति है जो साउथ की तरफ देख रहा है. अब आगे क्या होता है, आई एम फेसिंग इन सदर्न डायरेक्शन, आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर. अब वो यहाँ से राइट मुड़ जाता है. ठीक है, तो इसका राइट किधर होगा, इस तरफ, और 10 मीटर चलता है. आगे क्या होता है, ये कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, ये 20 मीटर चलता है. फिर क्या होता है, देन आई टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर. फिर वो अपने राइट मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है. देन अगेन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर. अब ये अपने लेफ्ट मुड़ता है और फिर 10 मीटर चलता है. तो लेफ्ट होगा इस तरफ, यानी कि वो इतना 10 मीटर फिर वापस चलता है. देन अगेन आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर. फिर वो अपने कहाँ मुड़ता है, राइट मुड़ता है, और कितना चलता है वो, यहाँ पे भी वो 20 मीटर चलता है. ठीक है, उसके बाद वंस अगेन आई टर्न राइट एंड वॉक 60 मीटर. अब वो कितना चलता है, अब इधर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है. ठीक है, ये टोटल हमारा कितना है, 60 मीटर. इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट. तो अब वो शुरुआत से किस डायरेक्शन में है ये आपको बताना है. तो चलिए देखते, शुरुआत उसने कहाँ से की थी, यहाँ से की थी. ठीक है, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है. उसने शुरुआत यहाँ से की थी और अभी वो कहाँ है, यहाँ है. अब यहाँ क्यों है, क्योंकि ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 20 मीटर, और यहाँ 20 मीटर, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रहा आपका पूरा का पूरा 30 मीटर. उसने 30 मीटर यहाँ तक चला है. ठीक है, तो ये जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना है, ये भी 30 मीटर है. तो ये सामने सामने तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये इस तरफ है. तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, ये डायरेक्शन हुई नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, नॉर्थ ईस्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, 8 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर प्लेस्ड एज शोन इन द डायग्राम. ऑल आर फेसिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इफ ऑल ऑफ देम मूव एंटी क्लॉकवाइज टू 3 places. देन 8 लोग जो हैं वो इस तरह एक गोल से टेबल पे बैठे हुए हैं और सभी बाहर की तरफ देख रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं. अगर सभी अपनी जगह से 3 स्थान दूर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं तो 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है. ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे. ठीक है, इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं तो इस तरफ जाएंगे. तो पहला ऑप्शन क्या है, बी इज फेसिंग वेस्ट. बी इज फेसिंग वेस्ट, तो बी है कहाँ, अभी बी है यहाँ हमारे पास. 3 places जाएगा तो 1, 2, 3, तो बी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा. अब यहाँ इस तरफ क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन होगा, ये हमारा वेस्ट ही तो हुआ. इधर हमारे पास वेस्ट, इधर ईस्ट, ये रहा नॉर्थ और नीचे साउथ. तो ऑप्शन ए जो है ये तो बिल्कुल भी करेक्ट है, बी जो है वो वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है. लेकिन आगे के भी ऑप्शंस को देख लेते हैं. ई इज़ फेसिंग ईस्ट. ठीक है, ई जो है वो ईस्ट में मूव कर, ईस्ट में फेस कर रहा है. ई हमारा कहाँ है, ई हमारा यहाँ है. ये अपने से 3 place जाएगा तो 1 place, 2 place और 3rd place, यानी बी की जगह ई आएगा. तो ये कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा होता है, ये नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा होता ना कि ईस्ट, तो ये हमारा रॉन्ग है. H is facing north west. अब H हमारा कहाँ, यहाँ है H. तो 1, 2, 3 H हो जाता है यहाँ पे. तो H कौन से डायरेक्शन को फेस करता है, S फेस करता है साउथ को, लेकिन यहाँ लिखा है नॉर्थ वेस्ट, इसलिए ये भी रॉन्ग. और A is facing south. A 3 place नीचे जाएगा तो 1, 2, 3, तो वो तो A यहीं पे आके रुक जाएगा, यानी कि ये साउथ वेस्ट फेस कर रहा होगा ना कि साउथ, इसलिए ऑप्शन ए जो है, बी इज फेसिंग वेस्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अल्फाबेट सीरीज. एक अल्फाबेट सीरीज दी गई है और सीरीज क्या है, हमारे पास ए टू जेड लिखा हुआ है. ठीक है, तो विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई. अब अगर आपको नंबर्स के, अगर आपको अल्फ़ाबेट के नंबर्स याद होंगे कि उनकी पोजीशन क्या है,
तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ, जो हमारे पास क्वेश्चन है सीरीज से रिलेटेड, वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। अब आई के बारे में है, तो आई के लेफ्ट से फोर्थ के राइट 16th हमें निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे है हमारे पास राइट 16 और लेफ्ट ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा राइट से 12। अब आई के राइट से 12, आई के राइट से 12 कौन सा लेटर आएगा, आई के राइट से 12 आएगा यू, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट से 12 आएगा यू, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन हमारे पास, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन जी एंड क्यू इन द गिवन अल्फाबेट। जी कहाँ है भाई, यहाँ है। क्यू कहाँ है भाई, यहाँ है। जी और क्यू के बीच में एग्जैक्ट बीच में कौन सा लेटर आता है, ये आता है यहाँ पे एल, क्योंकि जी और क्यू के बीच में एग्जैक्टली कितने लेटर्स हैं, 9 लेटर्स हैं। अब 9 लेटर्स हैं तो मिड वाला कौन सा होगा, फिफ्थ लेटर होगा, जी के बाद फिफ्थ लेटर एल, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी एल। चलिए आगे है हमारे पास, विच लेटर इज मिडवे बिटवीन द 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि इस तरफ से शुरुआत, अगर आपको पोजीशन याद है तो 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड कौन सा होता है, वो आर होता है, ठीक है। और 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन अल्फाबेट। अब 10th लेटर फ्रॉम द राइट अल्फा राइट साइड, 10th लेटर फ्रॉम द राइट साइड, 10th लेटर फ्रॉम द राइट एंड हम कैसे निकालेंगे। अब राइट एंड से काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग नहीं भी याद है तो, अगर आपको शुरू से काउंटिंग याद है तो राइट एंड से 10th निकालना है तो वो स्टार्टिंग से कितना होगा, वो स्टार्टिंग से 17 होगा। तो 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड जो लेटर होता है वो आपका आर होता है, वो आपका क्यू होगा। ये रहा Q और R के बीच में कितने अल्फाबेट्स हैं, तो Q और R के बीच में एक भी नहीं है, जीरो, यानी कि ऑप्शन ए नो लेटर हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, सिलॉक्स भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टेरिटोरियल आर्मी के पेपर की बात करें तो। चलिए इसको करते हैं, स्टेटमेंट्स हैं दो और कंक्लूजन्स हैं दो हमारे पास। पहला, ऑल टीचर्स आर एक्सपीरियंस्ड, ऑल टीचर्स आर एक्सपीरियंस्ड, ऑल टीचर्स हो गए एंड ये एक्सपीरियंस्ड हो गए, ठीक है। सम टीचर्स आर स्पिनस्टर्स, सम टीचर्स आर स्पिनस्टर्स, तो ये स्पिनस्टर्स हो गए। अब सम एक्सपीरियंस्ड आर स्पिनस्टर्स, सम एक्सपीरियंस्ड आर, तो जो टीचर का ये कुछ पार्ट है चूंकि वो एक्सपीरियंस्ड है तो वो स्पिनस्टर तो होगा ही, ठीक है। सम स्पिनस्टर्स आर एक्सपीरियंस्ड, तो सम स्पिनस्टर्स जो कि टी का पार्ट है ये क्या होगा, ये एक्सपीरियंस्ड हो गई। सो ऑप्शन वन और टू दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही फॉलो करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, बोथ वन एंड टू फॉलो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सम कैट्स आर डॉग, ठीक है। तो हमारे पास कुछ कैट्स हैं जो कि क्या है, डॉग्स भी हैं। नो डॉग इज अ टॉय, अब डॉग और टॉय का नेगेटिव रिलेशन है। आगे ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, ऑप्शंस हमारे पास कंक्लूजन्स हैं हमारे पास चार, इस बार चार कंक्लूजन्स हैं। सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, तो हाँ भाई सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ जो डॉग्स हैं वो तो कैट्स हैं ही ये वाले, ठीक है। तो ऑप्शन वन हमारा सही हो गया। सम टॉयज आर कैट्स, अब कैट ने टॉय के बारे में तो कुछ नहीं कहा तो हम कैसे कह दें कुछ भी, इसलिए ये रॉन्ग। सम कैट्स आर नॉट टॉयज, तो जब हमें कोई भी रिलेशन पता ही नहीं है तो हम हाँ या ना दोनों में से कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए ऑप्शन थ्री भी रॉन्ग। ऑल टॉयज आर कैट, अब ऑल टॉयज आर कैट ये भी अगेन, कैट से टॉय के बारे में हमें कुछ नहीं पता तो पॉजिटिव नेगेटिव हम कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए केवल हमारा ऑप्शन वन जो है, Only conclusion one follows, तो हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो ये थे हमारे पास जुलाई 2017 के टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट पेपर के रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आज हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।